हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ इमरान। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि 5000 में कौन सा डिवाइस लो मैं और सबसे बेहतरीन कौन सा डिवाइस फ़िलहाल है मार्केट में, क्योंकि आपके पास अगर 5000 बजट हो तो ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। जी हाँ, इंडियाज नंबर वन ब्रांड जो है शुआमी और साथ ही साथ रेडमी 7A का ये जो डिवाइस है काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये फ़ोन जो ऑफ़र के तहत आपको सिर्फ 5000 में मिल रहा है। जी हाँ, 4990, जिसमें आपको 2 साल की वारंटी भी है इस फोन में। अगर बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशन को लेके, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर, 4000 मिली एम्पियर का बैटरी, 12 मेगापिक्सल AI रियर कैमरा, साथ ही साथ 5.45 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, ड्यूअल 4G सपोर्ट करता है और साथ ही साथ फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है। सपोर्ट्स 10W चार्जिंग, यानी आपको इसमें 10W चार्जिंग भी मिल जाता है। साथ ही साथ 2GB रैम और 16GB स्टोरेज का यह डिवाइस है सिर्फ 5000 का। सबसे पहले यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं क्या क्या कॉन्टेंट्स हमें मिलते हैं। कुछ इस तरह से कुछ पेपर मिलेगा Xiaomi की तरफ से और बाकी ये रहा प्रोटेक्शन के साथ में, ये Redmi 7 है। बाकी जो कंटेंट हमें मिलता है, एक एडोप्टर मिल जाता है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करता है और साथ ही साथ एक माइक्रो USB केबल भी इस फोन के साथ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रोडक्ट से निकालते हैं इस फोन को और ऊपर कुछ इस तरह से प्लास्टिक है, इसको हटा देते हैं हम। और यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है पीछे की तरफ। यहाँ पे जो लुक्स है, थोड़ा सा बड़ा फोन है, वैसे थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। और पीछे की तरफ यहाँ पे हमें एक सिंगल कैमरा और LED फ्लैश और पीछे कुछ स्टिकर IMI वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर भी दे दिया गया है। और बाकी यहाँ पे ये रहा सिम ट्रे, और ये जो सिम है ट्रे है, ये 2 नैनो सिम माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है। और लुक्स डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी हद तक इस फोन का लुक्स डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन माइक और साथ ही साथ 3.5mm ऑडियो जैक है मिल जाता है। इस स्टीकर को निकालते हैं और फोन का जो डिस्प्ले अगर की बात करूँ तो इसमें 5.45 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन, जी हाँ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको 5000 में HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल रहा है। और स्क्रीन भी काफ़ी इतना बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो 5.5 इंचेस का चलता है। 5000 के डिवाइस के अगर हिसाब से देखा जाए तो इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है। और बाकी इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439, काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। 5000 में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इस फ़ोन के साथ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का 2 GHz का क्लॉक स्पीड में लगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और साथ ही साथ इसमें अप टू 256GB एक्सटर्नल मेमोरी भी लगा सकते हो। अगर बात करें इस फोन की बैटरी को लेके, तो इसमें आपको 4000 mAh का एक बिग बैटरी दिया गया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको बैटरी के मामले में डेफिनेटली। जो मेन कैमरा है उसमें आपको सोनी का IMX486 का सेंसर लगा हुआ है। और साथ ही साथ जो कैमरा है 12 मेगापिक्सल और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। तो मेरे ख्याल से जो कैमराज होने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 5000 के डिवाइस में कोई भी डिवाइस मुझे नहीं लगता इस तरह का आपको ऑप्शंस मिल जाता है कैमरा के मामले में भी। तो अगर आप 5000 का एक बेहतरीन डिवाइस ढूंढ रहे हो जो 5000 हो और अच्छा स्पेसिफिकेशंस भी आपको प्रोवाइड करे, तो इंडियाज़ नंबर वन ये Redmi 7 है। फ्लिपकार्ट, साथ ही साथ यहाँ पे अमेज़न और आपको मी स्टोर पे ये फ़ोन मिल जाएगा। आप परचेस कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें आपको 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, मीडियाटेक का प्रोसेसर नहीं है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट है, 4000 मिली एम्पियर का बैटरी, साथ ही साथ इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मुझे ये फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा लगा। वैसे में आपको ये फ़ोन कैसा लगा? Redmi 7 5000 का जो फ़िलहाल ऑफ़र भी चल रहा है, 5000 के डिवाइस के हिसाब से ये फ़ोन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने फायर फैलाते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके।